हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद अब झारखंड में 5 फरवरी को महागठबंधन सरकार की असली परीक्षा होगी। 2 फरवरी को झारखंड के राज्यपाल ने झामुमो कांग्रेस आरजेडी गठबंधन के नेता चंपई सोरेन को राज्य का नया मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया है। अब चंपई सोरेन को विधानसभा में बहुमत साबित करना होगा। चंपई सोरेन के शपथ ग्रहण के तुरंत बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ कांग्रेस और आरजेडी के विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट कर दिया गया था। ऐसे में 5 फरवरी को फ्लोर टेस्ट होना है। इसके चलते झारखंड के सभी विधायकों को आज चार्टर प्लेन से रांची लाया जाएगा। 5 फरवरी को सभी विधायक विधानसभा के विशेष सत्र में शामिल होंगे। लेकिन विधायकों को हैदराबाद भेजा क्यों गया? दरअसल झारखंड मुक्ति मोर्चा में विधायकों के टूटने का डर था, क्योंकि बीजेपी के पास राज्य में 26 विधायक हैं। सहयोगी दल और निर्दलियों को मिलाकर ये संख्या 32 हो जाती है। इसीलिए जेएमएम ने विधायकों को सुरक्षित जगह भेजने की योजना बनाई। वहीं कुछ विधायक राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के झारखंड पहुंचने पर उनके स्वागत के लिए वहीं रुके। 5 फरवरी को नई चंपई सोरेन सरकार के विश्वास मत के प्रस्ताव पर वोटिंग होगी। झारखंड में टूट फूट की खबरों के बीच मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा था कि हमारा गठबंधन बहुत मजबूत है, ये 4 सालों में बड़ी उथल पुथल के बीच से गुजरा है। उन्होंने कहा था कि झारखंड के विकास के लिए जो योजनाएं लाई गई उससे हताश होकर विपक्ष ने उन्हें झूठे खेस में फंसाया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने फ्लोर टेस्ट में सफल होने का दावा भी किया। ये 4 साल बहुत ही उथल पुथल के बीच में गुजरा, लेकिन हेमंत बाबू जो योजना यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र के लिए या झारखंड प्रदेश को जो विकास का सूची से नीचे जो दर्ज है उसको ऊपर उठाने के लिए जो। लेकिन सवाल उठता है कि क्या वाकई फ्लोर टेस्ट में बहुमत साबित कर पाएंगे। दरअसल झारखंड विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या 81 है, जिसमें से 1 सीट रिक्त है, यानी कुल 80 सीटों में से 48 विधायक गठबंधन के हैं। जेएमएम से 29, कांग्रेस से 17 विधायक है, आरजेडी सीपीएम के पास 1-1 सीट है। हालांकि चंपई सोरेन ने राज्यपाल को विधायकों के समर्थन का जो पत्र सौंपा है उस पत्र पर 43 विधायकों के ही हस्ताक्षर हैं। विपक्ष की बात करें तो बीजेपी जेएमएम से ज्यादा पीछे नहीं है। बीजेपी के पास 26 विधायक के साथ विधानसभा में दूसरी वो बड़ी पार्टी है। आजसू के 3, एनसीपी अजीत पवार गुट के 1 और निर्दलीय 2 विधायकों का समर्थन भी बीजेपी के साथ है। इसलिए कहा जा रहा है कि आखिरी समय तक भी पासा पलट सकता है। हर अब 5 फरवरी को क्या होता है झारखंड में, ये देखने वाली बात रहेगी। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। हर अपडेट के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव।